आज बहुत दिनों बाद राम जी अपने पिताश्री का दर्शन करते हैं। जैसे पिताजी को देखते हैं ना, वैसे उनके चरणों में लेट करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं और तुरंत उठा करके दशरथ जी अपने कलेजे से लगा लेते हैं। देखो हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में राम जैसा पुत्र हो, सब चाहते हैं ना, पर हमारे घरों में राम जैसा संतान नहीं है। जिसके घर में जितनी भी संतान है, शायद ही कोई कह सके ईमानदारी से कि हम अपने संतान से पूर्णतया संतुष्ट हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि जब वो पलता हुआ बड़ा हो रहा है ना, तो उस समय हम उसको किस तरीके का संस्कार दे रहे हैं, वही संस्कार उसके जीवन भर साथ रहता है और उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। तो बच्चे की गलती नहीं है, अभिभावक की गलती है। आजकल अभिभावक इतने लापरवाह है ना कि स्कूल में नाम लिखा देंगे, महीने का फीस जमा कर देंगे, कॉपी किताब लेते आएंगे, ट्यूशन लगा देंगे, लेकिन एक बार पूछेंगे नहीं बच्चे से, आज तुमको क्या होमवर्क मिला है। कभी मैडम से जाके बात नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे की पढ़ाई में कितनी प्रगति है। तो खाली फीस जमा करने से, बच्चे को पैसा देने से आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहिए। आपको एकदम ठीक ठीक देखभाल करना होगा, उसकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखनी होगी। बात समझ में आई ना? जब दस में लटक जाता है तब माता पिता सर पे हाथ रख के कहते हैं, अरे हमको पता ही नहीं था तुम इतने गोबर हो। शुरू से ध्यान दिए होते तो कभी फेल नहीं होता, लेकिन आखिरी समय में ध्यान देते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने बच्चों पर ठीक ठीक ध्यान दीजिए, आपका ही बच्चा है। लापरवाह होंगे तो उसका फल उसको तो जीवन भर मिलेगा, आपको मरते दम तक मिलेगा। राम जी मिलते हैं और ढेर सारी बातें अपने पिताजी से करते हैं। आज पिताजी का सीना चौड़ा है, जब संतान बड़े बड़े कारनामे करता है ना सकारात्मक दिशा में, तो उसे लगता है कि मेरे घर परिवार का नाम अब रोशन हो रहा है। भरत सहानुज कीन्ह प्रणाम, लिए उठाई लाई पुर रामा। हर्षे लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता।